नमस्कार, अविघ्ना फूड बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो वह होली के टाइम पर बनाई जाती है, लेकिन जैसा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो इसे इस समय बनाकर पी सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की कांजी। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बनाने बहुत ही आसान। तो चलिए बनाने चलते हैं गाजर की कांजी। गाजर की कांजी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो ये है, आधा किलो गाजर, एक चुकंदर, क्योंकि इस सीज़न में काली गाजर मिलती नहीं है, तो मैं इसलिए अच्छा कलर लाने के लिए इस चुकंदर का यूज़ कर रही हूँ। आधा चम्मच भुनी हुई हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच पिसी हुई राई, नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक 1 चम्मच और 4 लीटर पानी। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम पानी डालेंगे, 4 लीटर पानी डालेंगे। ये हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे। ये मेरी धुली हुई और छिली काट के मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया था, इसको भी, चुकंदर को भी मैंने काट लिया, इसको भी इसमें डालेंगे। भुनी हुई हींग, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक है ये, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने इसमें 4 चम्मच नमक डाला है, और इसमें ये राई। अब हम इन सभी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। काली गाजर की कांजी और भी अच्छी लगती है, काली गाजर नहीं तो मैंने गाजर और चुकंदर को मिक्स करके बनाई है, जिससे इसका कलर अच्छा आ जाए। सभी मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसको ढककर गरम जगह पर रखेंगे। ये कांजी हमारी 1 से 2 दिन में तैयार हो जाएगी। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ये 1 दिन में तैयार हो जाएगी। यदि सर्दियाँ होती हैं तो इसको तैयार होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इसको हम ढककर रख देंगे, 1 दिन के लिए इसको ढककर रखेंगे। इसे अभी हमें फ्रिज में नहीं रखना है, जब ये अच्छी तरह से खट्टी हो जाएगी तब इसे हम फ्रिज में रखेंगे। कांजी को रखे हुए 1 दिन हो चुका है, अब हम खोल के चेक कर लेते हैं किस तरह से बनी हुई है। बड़े धीरे से खोलेंगे, देखिए इसको चलाकर चेक कर लेंगे। देख कितना अच्छा कलर आया है इसका, ये सारा कलर चुकंदर की वजह से है। अब इसे हम 1 ग्लास में सर्व करेंगे। इस तरह से हमारी गाजर की और चुकंदर की कांजी तैयार है। यदि आपको मेरी ये कांजी की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्ना फूड बुक पर शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अविघ्ना फूड बुक। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का नाम भी अविघ्ना फूड बुक है।